दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्सेओ को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्सेओ में। मैं वैशाली। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड आता है तो ये किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, और ये फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के इसके बेनिफिट क्या होंगे, कौन सी बैंक ये दे रहा है, इसके लिए आपको ज्वाइनिंग फीस कितनी होंगी और एलिजिबिलिटी क्या होंगी, किस तरह से आप इसे ज्वाइनिंग फीस के बेनिफिट ले सकते हो, और इस कार्ड के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा, इसके बेनिफिट आप किस तरह से ले सकते हो, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की अगर बात करते तो एक्सिस बैंक की तरफ से आता है। यहाँ पर देखिए फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड बैंक है, तो यहाँ पर ये एक्सिस बैंक की तरफ से आता है। इसकी लिमिट की अगर बात करते तो ये लिमिट आपकी डिपेंड करती है सैलरी पे या तो बिजनेस पे। तो यहाँ पर देखिए कम से कम आपको यहाँ पर 10,000 से 2,00,000 तक लिमिट मिल सकती है। तो ये लिमिट की बात, तो उसके बाद में यहाँ पर बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सपोज़ आप अगर शॉपिंग करते हैं यहाँ पर 18,000 रुपीज़ का तो कैशबैक आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ क्राइटेरिया। तो उसके बाद में वेलकम बेनिफिट है, तो यहाँ पर काफ़ी बेस्ट है वेलकम बेनिफिट। तो यहाँ पर वेलकम बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो ये देखते तो वेलकम बेनिफिट कौन से ये देखते तो यहाँ पर देखिए 500 रुपीज़ का आपको फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो। उसके बाद में आपको यहाँ पर गाना का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर गोइबीबो का जो 500 रुपीज़ का वाउचर है वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर अर्बन क्लैप है, उसका भी आपको 400 रुपीज़ या तो यहाँ पर 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर मिंत्रा की तरफ से भी आपको 15% कैशबैक मिलेगा, या तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 500 रुपीज़ का कैशबैक यहाँ पर मिंत्रा की तरफ से भी ले सकते हो। उसके बाद में MakeMyTrip का जो डोमेस्टिक वाउचर है 500 रुपीज़ का, अगर आप 2,000 रुपीज़ की परचेस करते हो तो आपको यहाँ पर MakeMyTrip का 500 रुपीज़ का ऑफ मिल सकता है। तो यहाँ पर उसके अलावा देखते हैं ये क्रेडिट कार्ड है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो बात करते तो आप अगर यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी देखते तो अगर आप सैलराइज पर्सन हो तो आपके पास यहाँ पर लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप होना चाहिए, और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके पास यहाँ पर लास्ट 2 ईयर की ITR फाइल होना जरूरी है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल ईजिली ले सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ईजिली आपको ये मिल सकता है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस की अगर बात करते तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद में आपका जो एज होगा वो 18 अबव होना चाहिए, और इस तरीके से आप इसे इसकी एलिजिबिलिटी होंगी। उसके बाद में यहाँ पर फीस एंड चार्जेस की अगर बात करते तो आपको मैंने बताया यहाँ पर आपको ओनली 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। उसके बाद में आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होगी, और लिमिट तो मैंने आपको बताई यहाँ पर 10,000 रुपीज़ से 2,00,000 तक आपकी कोई भी लिमिट आपको मिल सकती है, और वो डिपेंड करती है आपकी सैलरी स्लिप पे। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ पे टैप करके देखते, तो यहाँ पर जैसे मैं अप्लाई नाउ पे टैप करती हूँ तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर आप फ्लिपकार्ट या तो मिंत्रा से कुछ लेते हो तो आपको यहाँ पर 5% तक का ऑफ या तो कैशबैक मिल सकता है। उसके अलावा आप अगर अदर प्लेटफॉर्म पे भी परचेस करते हो तो आपको यहाँ पर 1.5% तक का कैशबैक मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर वेलकम बेनिफिट की अगर बात करते हैं, मैंने आपको बताया तो ये भी वाउचर आपको बताया मैंने, तो यहाँ पर आपको 3,300 रुपीज़ का वाउचर जो होंगे वो आपको मिल सकते हैं। 3,300 का बेनिफिट आपको यहाँ पर हो सकता है, और आप यहाँ पर नो कॉस्ट EMI भी कर सकते हो। यहाँ पर जो सरचार्ज होता है तो यहाँ पर 1% से यहाँ पर 20% तक आपको ऑफ मिल सकता है, और जो यहाँ पर 4,500 रुपीज़ का रेस्टोरेंट का भी ऑफ यहाँ पर आपको मिल सकता है, और वो जो डिपेंड करता है रेस्टोरेंट्स कौन सा है, इनके जो लिस्टेड रेस्टोरेंट है आप अगर यहाँ पे जाते हो तो आपको यहाँ पर 4,500 रुपीज़ का ऑफ मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो यहाँ पर यस कीजिए और इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, तो आपको यहाँ पर एड्रेस पे आपके एड्रेस पे एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो आपको यहाँ पर सैलरी स्लिप, उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। तो उसके बाद में 10 डेज में आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का वीडियो था, इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते या तो आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।